सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले, और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। महारानी पार्वती जी ने कहा कि भगवान शिव को पाना बड़ा कठिन है, और शिव को वही पा सकता है जो शिव जैसा बन जाए, और शिव बनने के लिए संसार के माया मोह काम क्रोध मद लोभ सब का प्रत्याग करना पड़ेगा। पति ही एकांत पाए कहा मैना नाथ ना मैं समझे मोनि बैना। महाराज एक बात बताऊं, नारद जी बताए तो लेकिन सब बात अच्छी लगी, एक बात हमारे मन में समझ में ही नहीं आई, मुझे प्रसन्नता ही नहीं प्राप्त हुई। क्या ऐसा संभव है जैसे नारद जी कह रहे हैं? अगर ऐसा है, जब घर बर कुल हो ये अनुपा करिए विवाह सुता कन्या बरु रहावे कुमारी कंत उमा मम प्राण पिया। पहली बात तो मैं समझी नहीं, अगर हमारे समझ में जो आ रहा है वो सत्य है तो जिंदगी भर मेरी बिटिया कुमारी बैठी रहेगी, लेकिन इसका विवाह ऐसे घर में मत करना कि जो जोगी हो, जटिल हो, अकामी हो, नंगा दिरंगा रहने वाला हो, शमशान में रहता हो, भभूति लोट करके ऐसे दामाद तो चाहिए ही नहीं। तो कहा फिर कैसे चाहिए? कहा कि एक तो आप राजा, तो राजा के समांतर में कौन होना चाहिए? राजा होना चाहिए। और हमारी जो कन्या है पार्वती है, उमा है, या सुंदर स्वरूपवान है, दिव्यवान दिव्य स्वरूप से समाहित है, सुशोभित है, ऐसे दामाद भी स्वरूपवान होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता, नत कन्या वरु रहाई कुमारी, जिंदगी भर ये कुमारी पड़ी रहे, मैं यहीं पर इनका पालन पोषण करूंगी, लेकिन इनका विवाह नहीं ऐसे घर में करने दूंगी। और आपको बताएं, दूसरों की बहन बेटी को ला करके हम चार बात सुन लेते हैं, लेकिन अपनी बहन बेटियों की बात नहीं सुनी जाती। दूसरे की बहन बेटी का ला करके भरण पोषण कर सकते हैं, अपने अपनी बहन बेटियों को अपने घर में हम नहीं रख सकते हैं। इधर भगवान की कृपा प्राप्त होती है, माता जानकी विचार करने लगती है कि तप बल रचय प्रपंच विधाता तप बल वृष्णु जगत जगत्राता तप बल शंभो करे संहारा तप बल शेष धरहि माहि भारा। कहा तप बल के प्रभाव से भगवान नारायण
जगत के दुख को दूर करते हैं, संसार का पालन पोषण करते हैं, भरण पोषण करते हैं। भगवान शंकर जी अपने उसी तपस्या के बल से अनेक निशाचरों को परास्त कर दिया, काम को जीत लिया। सब लोग देव नहीं महादेव कहने लगे। ऐसे ही मैं भी तपस्या करूंगी, अगर मैं तपस्या करूंगी तो शंकर जी को पाना कोई कठिन नहीं है।